नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज यूजीसी की क्लास थ्योरेटिकल क्लास है और थ्योरी वाली क्लास दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट क्लास। आज सल्तनत पार्ट वन पढ़ने जा रहे हैं और सल्तनत में भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज उठा रहे हैं और इसमें भी स्लेव डायनेस्टी को हम कवर करने वाले हैं, जिसे आप ममलूक, उलूक और इलबरी कई नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ट्रू आर्क के कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये हालांकि बलवन के कब्र का है और एक कॉर्बेल्ट आर्क का दिख रहा होगा, ऐसा आर्क जिसमें एक की स्टोन होता है जो अपने दोनों तरफ की भार को दो भाग में जो है डिवाइड कर रहा होता है, इसे कॉर्बेल्ट आर्क कहते हैं। वैसे आज की क्लास बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है, तो जितने साथी लोग क्लास में मौजूद हैं एक बार सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे। थ्योरी की क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास है और कॉन्सेप्ट क्लास आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप सभी को अच्छे से पता है। 18 तारीख की क्लास एक्चुअली क्या है ना, ये इस तरह से क्लास के बारे में मैं बता दूँ, एप्लीकेशंस पे 18 को क्लास हुआ था जो अब तक अपलोड हो गया होगा, वीडियोस जाके देख लेना। और 19 को क्लास नहीं हुई थी, तबीयत मेरी सही नहीं थी उस दिन, इस वजह से 19 को क्लास नहीं हुआ था और अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आज से क्लास आपकी एप्लीकेशंस पे भी चलने वाला है, तो एप्लीकेशंस पे आज से क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या था, क्वेरीज थे कि सर शो नहीं हो रहा है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि दूसरा बैच जब मर्ज होता है ना, तो वो उनकी यूनिट से दिखता है, तो कुछ स्टूडेंट को दिख रहे होंगे, कुछ कुछ को नहीं दिख रहा होगा, तो इतना कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। सभी लोग आ गए, एवरी वन, मैं एक चीज़ और आप लोग से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अक्सर इसलिए मेरे को मैसेज करते हैं पर्सनली, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, डोंट टेक्स्ट मी पर्सनली। खैर, हम मुद्दे पे चलते हैं डायरेक्टली। सभी लोग रेडी है, एवरीबॉडी, एक बार सभी लोग, अच्छा नहीं हुआ तो मैं अभी करवा दूंगा, मैं आज आया हूँ यहाँ स्टूडियो आया हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों का अगर शो नहीं हो रहा है वो मुझे जो है पर्सनली अपना मेल आईडी भेज देना, मैं क्वेरीज करवा लेता हूँ। चलिए मुद्दे पे चलते हैं, पॉइंट सभी लोग कलम कॉपी उठा लीजिए और कलम कॉपी ध्यान से सभी लोग एक बार सभी लोग क्लास में आ जाएं, सभी के सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे। आज की सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे, कोई बातें एक्स्ट्रा नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे आज की टॉपिक दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। क्या हम लोग लिख रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज आप लोगों को सीखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा सभी के सभी लोग। दिल्ली सल्तनत, जिसे आप दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, सबसे पहला तो बात यही कि सर यहाँ पे बहुत सारे सुल्तानों ने रूल किया, शायद इस वजह से भी दिल्ली सल्तनत कहते हैं। बेसिकली दिल्ली सल्तनत को टाइम फेज में अगर हम देखते हैं तो गौरी की मृत्यु से लेकर 1526 बाबर की एंट्री तक आप देखते हैं, तकरीबन 320 साल तक इन सुल्तानों का रूल आप देख पाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी साथी लोग, ध्यान से देखते भी चलेंगे, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम्स के लिए वो देखते हैं। तो इन सल्तनत पीरियड में बेसिकली पांच वंश ने रूल किया। कितने वंशों ने? पांच वंशों ने रूल किया। पांच वंश बेसिकली आप इसके TSL कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? SKTSL के नाम से जानते हैं, जिसे आप स्लेब, खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोदी कहते हैं। आज की क्लास से कई क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, अगर ध्यान से, अगर आप लोग थोड़े से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो कई चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक बार सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें, अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। पाँच वंश में पहला वंश हम जिसे स्लेब कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्लेब कहते हैं, या आप इसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश भी कहते हैं, स्लेब, गुलाम या ममलूक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? ममलूक वंश, या आप इसे इलबरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलबरी, या आप इसे उलूग भी कहते हैं। तो कई नाम से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सब जो है गुलाम वंश के ही नाम है। ममलूक, इलबरी, उलूग, ये सब एक ही वंश को अलग अलग तरीके से जानते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक रूल करता है, तकरीबन 84 साल आप कह सकते हो, 84 ईयर्स तक इस वंश ने रूल किया। और इसके सुल्तान अप्रॉक्सीमेटली 11 सुल्तान होते हैं। कितने सुल्तान?
ग्यारह सुल्तान, ग्यारह सुल्तान में जो मेजर सुल्तान जिसे आप जानते हैं और आपने खूब पढ़ा होगा बचपन से, दैट इज द एबक, इल्तुतमिस, रजिया सुल्तान, बलबन, नसरुद्दीन महमूद, ये कुछ के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरा वंश दैट इज कॉल्ड दी K4 खिलजी वंश। देखो ध्यान से, कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड। खिलजी डायनेस्टी में आप ध्यान दीजिएगा, 1290 से लेकर 1320 के समय में तकरीबन 30 साल तक इन्होंने रूल किया है, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में जितना इन्होंने, 21 साल तो खुद ही अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया। 21 साल में एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप देखें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे खराज जैसे सिस्टम के बारे में बात कर सकते हो। इनके ज़माने में कोर्टियर्स में, राजदरबारी में इम्पॉर्टेंट, मतलब शायर के रूप में आप जान लीजिए अमीर खुसरो को, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, उन सबको स्टडी करने वाले हैं। तीसरा वंश दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, T4 तुगलक डायनेस्टी, T4 तुगलक वंश। सभी साथी लोग ध्यान से लिखते चलिएगा, तुगलक वंश, और तुगलक वंश के टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 तक कहते हैं, है ना, तकरीबन 94 ईयर्स आपने देखा, कितना 94 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आप कहते हैं। तो SKT हो चुका है, नेक्स्ट इज कॉल दी SKT, फिर S4 दी सैयद वंश। देखो ध्यान से, सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश को अगर हम स्टडी करें तो सैयद वंश कितना से कितना, 1414 से लेकर 1450। आप उठाकर UGC का पेपर देखें तो आपको पूछा गया था कई बार क्वेश्चन पूछा गया खिजर खान से रिलेटेड, और खिजर खान के बाद कौन कौन से शासक आया ऑर्डर में बताना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच इन दी फॉलोइंग में, कि पहले कौन थे, बाद में कौन से सुल्तान हुए। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब ना आपके लिए आसान रहेंगे सभी क्वेश्चंस। तो अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स इन्होंने रूल किया। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दी लोदी डायनेस्टी। लोदी वंश को आप फर्स्ट अफगान साम्राज्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अफगान साम्राज्य के रूप में भी जानते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो 1450 से लेकर 1526 इस वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन है, इब्राहिम लोदी। आप अगर नोट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 76 ईयर्स यहाँ पे, ठीक है, ये 36 ईयर। अगर टोटल डायनेस्टीज की बात करूँ मैं, जैसे SKTSL में सबसे कम वर्ष के लिए सुल्तान या सबसे कम समय के लिए शासक कौन से वंश को बनाया गया था, सभी लोग अभी तो आप लोगों के बारे में मैंने आप सभी से पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि कोई डिस्कशन नहीं करेगा कॉन्सेप्ट क्लास में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा। होता क्या है कि जब एक टीचर्स पढ़ा रहा होता है या आपके जो सीनियर पढ़ा रहे होते हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जहन में होता है कि कितना कुछ सिखा दूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट क्लास है और कॉन्सेप्ट क्लास को मैंने आप सभी से कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सीखने के लिए। तो आपने देखा, अगर मैं नोटिस करूं यहां पे पोर्शन में, तो सबसे कम समय के लिए जो वंश बन रहा है शासक वो है खिलजी डायनेस्टी, और सबसे अधिक समय के लिए तो दैट इज कॉल्ड द तुगलक वंश। तो याद रखना है कि खिलजी सबसे कम और सबसे अधिक तुगलक। आपसे मैं पूछ लूँ, सभी कैंडिडेट ऑर्डर में बताओ, एसेंडिंग ऑर्डर में कम से ज्यादा किस तरफ, सबसे कम किसने रूल किया एसेंडिंग ऑर्डर में बताइए जरा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी में। एक बार सभी साथी लोग क्लास को शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे, कॉन्सेप्ट क्लास है एवरीबॉडी, आपको बताना है ऑर्डर में आपको समझाना है मुझे कि सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ कौन कौन सा वंश होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सभी के सभी लोग। सल्तनत पीरियड आज डिस्कस कर रहा हूँ, सल्तनत का पार्ट वन है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यूट्यूब पे ये क्लास अगर आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन चांसेस है कि अच्छे से स्टडी करें, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, UGC की तैयारी कर रहे हो, या TGT PGT वाले भी कैंडिडेट्स हैं। तो मैं आप सभी को ज़रूर कहूँगा कि क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूसली करो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पे मैं पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास आपको देने जा रहा हूँ। सर, खिलजी सैयद लोदी ममलूक, खिलजी सैयद लोदी ममलूक एंड तुगलक, बहुत बढ़िया, सुंदर। संगीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। रूबी, उमेश, बहुत सुंदर, आप सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करते चलेंगे।
अच्छा, इतना पॉइंट्स तक तो क्लियर है। अब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं दैट इज द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सबको साफ साफ दिख रहा है ना, सबको साफ साफ दिख रहा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में मैंने कहा था कि 11 रूलर्स होंगे। कितने रूलर्स होंगे? 11 रूलर्स ने 1206 से 90 के बीच में काम किया। कितने रूलर्स ने? 11 रूलर्स ने। क्लियर है इतना? 11 रूलर्स को अगर आप देखें तो 11 रूलर्स याद होना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। सर क्लास कब से चल रही है? क्लासेस तो अभी स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने आज एक चीज और भी बात की अपने टीम से कि जो स्टूडेंट्स 18 से ज्वाइन किए उनको भी मेरे पुराना वीडियोस मिल जाए एटलीस्ट, ठीक है? तो जो स्टूडेंट अब तक ज्वाइन नहीं किए वो दे शुड बी मस्ट ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना नुकसान आपका होगा। पेड क्लासेस में बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, स्लेव डायनेस्टी को अगर हम स्टडी ध्यान से करें तो स्लेव डायनेस्टी में 11 रूलर्स। आप एबक, कुतुबुद्दीन एबक शॉर्टकट मारिए, 1206 से लेकर कितना तक? 10। एबक के बाद दूसरा कौन है? आराम, आराम बख्श या आराम शाह, इसका कह सकते हो कि भाई लगता था, बहुत सारी जगह पे लोग बेटा लिख दिए लेकिन ऐसा नहीं है। 8 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। इसके बाद कौन बनता है गद्दी पर? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, आप सोच रहे होंगे कि सर कभी इंग्लिश कभी हिंदी, वो मैं लिख रहा हूँ स्पीड में, आप लोग जो भाषा में लिखना चाहते हो लिखते चलो। 1211 से लेकर 36, अप्रोक्सीमेटली इतना, मतलब 1/4 सेंचुरी, मतलब 25 साल रूल करना अपने आप में, समझ रहे हो, क्वार्टर सेंचुरी है। इल्तुतमिश के बाद बनना तो था रजिया सुल्तान को, लेकिन बनता कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन इनका बेटा है और शाह तुर्कान का बेटा, अपना बेटा। 1236 में ही 3 महीने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पे, दैट इज कॉल्ड द रजिया सुल्तान। क्या नाम है बच्चे? रजिया सुल्तान। स्पीड में लिखते चलना, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक, ये टोटल हो गए 5। 11 लिखना है, कितने लिखने हैं टोटल? 11 लिखने हैं, स्पीड बढ़ाते चलिए। रजिया सुल्तान के बाद दैट इज कॉल्ड द 6वें नंबर पे बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह के बाद ध्यान से लिखते चलेंगे 1236 में ही 1240 से, लिख लीजिए थोड़ा सा स्पीड में, 1240 से 42 में बहराम शाह के बाद दैट इज कॉल्ड द अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, देखते चलें अलाउद्दीन मसूद 1242 से लेकर 46 तक। उसके बाद दैट इज द 8वें नंबर पे नसरुद्दीन महमूद, स्पीड बढ़ाइए, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड है 1246 से 66, 20 साल। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक है, याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9 नंबर पे गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में जान लीजिए 1266 से लेकर 87। और नेक्स्ट इज कॉल द 10 नंबर पे ग्यासुद्दीन बलबन के बाद दैट इज कॉल द, इसका बेटा है कैकुबद, कैकुबद दैट इज द 87 से लेकर 90 और कुछ दिनों के लिए बने थे 11वां नंबर पे, दैट इज कॉल द कैमूर, के फॉर कोलकाता, के फॉर कैमूर, 90 में तकरीबन 3-4 महीना के लिए। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चे? अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ ध्यान से, आपको अगर स्टडी करना है तो इन लोगों को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग था। सवाल ये है कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सभी इम्पॉर्टेंट में से हैं, इसलिए हम इन्हें स्टडी करेंगे। नसरुद्दीन महमूद को भी इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं और इनको भी, ग्यासुद्दीन बलबन। तो ये टोटल 5 रूलर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। कितने लोग? ये एक मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, कफ और कुतुबुद्दीन, आराम बोले तो आराम बख्श, इतना बोले तो इल्तुतमिश, रुई बोले तो रुकनुद्दीन फिरोज, रजाई बोले तो रजिया सुल्तान, ठीक है, आराम इतना और बहारे आलम बहराम शाह, आलम बोले तो अलाउद्दीन मसूद, नासिक बोले तो नसरुद्दीन महमूद, गया मीन्स गयासुद्दीन बलबन,
कब, कब बोले तो कैकुबद, और क्यों बोले तो कैमूर। तो ये टोटल मैंने 11 रूलर्स के बारे में बोला और 11 में से 5 को हम स्टडी कराएंगे, और मेरा कोशिश ये भी हो कि बाकियों के भी बारे में आप लोग को पढ़ा सके। एक बार सभी साथी लोग क्लास को शेयर कर दें, बहुत कम से कम हाफ सेंचुरी तो जाना चाहिए भाई, ऑलमोस्ट आप सभी लोग हाफ सेंचुरी करीब में देख रहे, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे, सभी साथी लोग। इतना दिलचस्प क्लास चल रहा है और आज के सेशन में कुछ बातें और भी एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड द गुलाम वंश में सबसे पहला शासक दैट इज कॉल्ड द कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इनकी टाइम फेस 1206 से लेकर 1210 तक आप जानते हैं। कितना तक? 1206 से लेकर 1210 में। सबसे पहले आप लोग यही जानते होंगे ना, एक बार सभी लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर करते चलेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो क्या होता है ना कि आपकी तबीयत कितना अच्छा है या बुरा है कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। एक इंसान अगर ईमानदार है अपने काम के प्रति ना, तो तबीयत को थोड़ा नज़रअंदाज तो करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग भी, जब इंसान काम के प्रति जो है ना, हमेशा सजगता रखना, ईमानदारी रहना, तबीयत खराब से किसी को कोई मतलब नहीं है। 10 लोग आपको मैसेज करेंगे कि क्लास क्यों नहीं हुई, कभी ये नहीं सोचते हैं कि कंटिन्यूअसली वो व्यक्ति जो कंटिन्यूअसली कभी क्लास छोड़ता तक नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर क्लास नहीं अगर की है तो कोई ना कोई वजह तो होगा। वैसे फ़िलहाल अभी मेरा तबीयत जो है ठीक है और थोड़ा सा थेरेपी चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि अगर इतना ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सीखें। इस बार रिज़ल्ट आपको जो है देना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए आगे चलें, क्लास स्टार्ट कर आगे चलते हैं। ऐबक के बारे में बहुत सारी चीज़ें, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया पे, सभी के सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते चलेंगे। चलते हैं ऐबक में, कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। आप इसके उपनाम को देख लीजिए, उपनाम बोले तो टाइटल। इसके टाइटल तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सर टाइटल क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्हें लाख बक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लाख बक्स। आज कुछ चीज़ें, लाख बक्स का मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स। क्या होता है बच्चे? गिवर ऑफ लैक्स मतलब दयालु नेचर का था। कैसा था बच्चे? ये दयालु नेचर का, ये काइंड हार्टेड व्यक्ति था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मिन्हाज सिराज अपनी किताब तबकात नासरी में लिखते हैं। हम कौन कौन से स्कॉलर इनको क्या कह रहा है वो भी हम कोट करेंगे, तो फिलहाल लिखते चलिएगा। दूसरा है, लाख बक्स के बाद आप इसे पील बक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पील बक्स। पील बक्स। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं आता होगा पढ़ने, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं बंगाल से हैं, अलग अलग जगह से, तो आप सुन तो पा रहे होंगे ना पील बक्स। पील का मतलब होता है एलिफेंट, दान करने वाला, बोले तो हाथी दान करने वाला, ठीक है, हाथी दान करने वाला, दानी, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से टाइटल हो सकते हैं इनके पास? इनके पास कुरान खां। क्या बोलते थे आप इन्हें? कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था ये। उसके अलावा और किस टाइटल से? तो हातिम के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये सब टाइटल इन्हीं का है, हातिम सिक्रेट। इससे ये पता चलता है कि वो टाइटल्स हैं जिनमें बताया जाता है कि जिससे इंसान की पर्सनालिटी शो हो रहा होगा कि इंसान किस नेचर का है, किस तरीके का व्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि सभी देखने के बाद लाख बक्स, पील बक्स, कुरान खां, हातिम सिक्रेट, इसका मतलब ये लगता है कि ये व्यक्ति वाकई में हर एक फील्ड में मतलब अच्छा नेचर का बताया जा सकता है। कहते हैं कि गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, तो इतिहास गवाह है कि तुर्कियों में, टर्किश लोगों में साम्राज्य का बंटवारा या तो अपने गुलामों में कर देने का है या तो अपने संतानों में कर देने का, बराबरी का। और इसी वजह से याद करो कि मैंने जब गौरी पढ़ाया था तो गौरी में यल्दौस, कुबाचा और ऐबक का नाम लिया था। तो यल्दौस को कहा जाता है कि इसे अफगानिस्तान का क्षेत्र, कुबाचा को ऊंच मुल्तान का क्षेत्र और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र का वायसराय इनिशियल स्टेज में बनाया गया। जब गौरी की देहांत हो गया तो ये क्या हो गए? उन पर्टिकुलर एरिया के रूलर बन गए। लेकिन सुल्तान तभी बन सकते थे जब आप आज़ाद होते, ठीक है, तो ये कभी सुल्तान बने नहीं। कहा जाता है कि हमेशा सैन वाला इन्होंने टाइटल लिया था। सैन टाइटल इनके पास दो थे, ध्यान दीजिएगा। एक आप बोलते हैं मलिक,
क्या बोलते हैं आप इसे? मलिक। और दूसरा बोलते हैं सिपाह सालार, सिपाह सलार। ठीक है, ये दोनों टाइटल इनके पास था, ये सैनिकों के टाइटल होते। अगर मैं ऐसा कहूं कि भारत में भारतीय क्षेत्र को जीतने में गौरी को अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी ने दिया तो ऐबक ने, ये कहना गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। शुरुआती तौर में कहा जाता है कि जब इन्हें मार्केट में ले जाकर सबसे पहले बेचा गया तो कहा जाता है अबू हनीफा या इमाम अबू हनीफा के वंशज अब्दुल अजीज कुकी ने इनको खरीदा, और खरीदने के बाद ये जब छोटे थे तो इन्हें पढ़ाया लिखाया, टैक्टिसेस सिखाया वॉर की। तो कहते हैं कि जब ये पढ़ने के लिए मदरसा गए तो मदरसा में कुरान इतनी तेजी से तिलावत करना शुरू कर दिया कि अबू हनीफा के वंशज अजीज कुकी के जो बेटे हैं जो इनके साथ में थे वो उनको जलन होना शुरू हो गया। बाद में इन्हें फिर समरकंद के क्षेत्र में, बुखारा के क्षेत्र में ले जाकर बेच दिया गया, ऐसा इनकी इतिहास है। तो सबसे पहली बात, एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इनिशियली, इंग्लिश वाले बच्चे आप लिख सकते हो इनिशियली ही वॉज बाइड बाई, या शुरुआत में इन्हें, शुरुआत में किसने बच्चे, फखदुद्दीन। एक वर्ड आज मैं आपको सिखाने वाला हूं और शायद इससे पहले बहुत कम स्टूडेंट ने यह बात पढ़ा होगा, फखदुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, अब्दुल अजीज कुकी, अजीज कुकी। ये किनके वंशज है? इमाम अबू हनीफा के, इमाम अबू हनीफा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हनीफा। अच्छा, मेरा जहन ये कह रहा है कि मैं इनको भी समझाता चलूँ, ठीक है? तो ये चीज़ पेड़ वाले बैच में मैंने ये वर्ड स्किप कर गया होगा। फखदुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, क्या नाम है? फखदुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने ने सर्वप्रथम खरीदा, सर्वप्रथम, प्रथम या फर्स्ट टाइम, प्रथम खरीदा किसको? ऐबक को, ऐबक को। तो ये पॉइंट तो आपको याद है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इमाम अबू हनीफा के बारे में थोड़ा सा चीज जान लीजिए। हनफी, क्या नाम लिख रहा हूँ मैं? हनफी स्कूल, स्कूल के संस्थापक, दिस इज द पॉइंट। आप जानते हैं फर्स्ट इमाम कहलाते हैं थियोलॉजियंस, इस्लामिक थियोलॉजी में। यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर सही नहीं दिख रहा है। हनफी स्कूल बोले तो हनफी स्कूल के जो मानने वाले अनुयायी हैं उसे आप सुन्नी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुन्नी। तो याद रखिएगा, पहले इमाम के रूप में जाने जाते हैं कि जो लॉ है, जैसे इमाम बुखारी, ठीक है, जैसे मुस्लिम शरीफ, ये सभी क्या है कि ये आपको हदीस कह सकते हो। हनफी स्कूल जो है किस पे बात करता है? हदीस, हदीस पे काम करता है। हदीस जानते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर इन इस्लामिक जो है रिलीजन में। तो ये पहले व्यक्ति है जिन्हें सबसे बड़े इमाम कहा जाता है, जिन्होंने बहुत इम्प्लीमेंटेशन इस्लामिक लॉ में किया था। एक बार सभी साथी लोग क्लास को ध्यान से शेयर करते चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। सबसे पहले किसने खरीदा? फखदुद्दीन अजीज कुकी। किनके वंशज थे? इमाम अबू हनीफा के वंशज है। ये कौन है इमाम अबू हनीफा? हनफी स्कूल के संस्थापक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। तो सर्वप्रथम इनको खरीदा। आगे चले पेपर में, आगे चले बच्चे, ध्यान से लिखते चलेंगे। एक एक लाइन आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। मैंने शुरुआत में जब लिखा कि इन्होंने सैन्य सिपाह, सैनिक जो होता है अपने नाम पे खुतवा नहीं पढ़वाते हैं, आप यहाँ पे याद रखना, अपने नाम का ना तो खुतवा पढ़वाया, ना कोई सिक्का चलाया, ना कोई सिक्का, सिक्का बोले तो क्वाइन इशू किया, ये बात याद रखना, इशू किया, कोई भी सिक्का इशू नहीं किया, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा वही पढ़वाता था मोस्टली जो सुल्तान बनता था, ये बात याद रखना। इनकी कैपिटल आप याद रखना कि इनकी जो कैपिटल, अगर आपसे पूछ ले कि कैपिटल कहाँ थी, तो दिल्ली नहीं था, लाहौर को कैपिटल बनाया गया था। इसको लाहौर वाज दी हिज कैपिटल, दिल्ली वाज दी सेकेंड कैपिटल, क्योंकि दिल्ली तो अभी अभी कुछ साल पहले ही लूटा गया है, दिल्ली अभी कुछ साल पहले ही जीता गया, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था। इनकी पकड़ कहाँ थी? लाहौर में थी। अब ध्यान से समझते चलिए। मन तो करता है कि इतना कुछ पढ़ाऊँ, इतना लंबा क्लासेस खींच के ले चलूँ कि सीख के जाए बच्चे,
लेकिन वक्त का तकाजा है, पता ही नहीं चलता है कि वक्त कितना जल्दी खत्म हो जाता है। चलिए, फिर भी हम कुछ इतिहासकार, जैसे यूजीसी में इतिहासकार ने कौन से इतिहासकार ने क्या कोट किया, तो सम हिस्टोरियंस, देखो ध्यान से, सम हिस्टोरियंस की बात कर लेते हैं जिन्होंने इनकी तारीफ की, हिस्टोरियंस के कोट्स को पढ़ लेते हैं, कोट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप देखें, जैसे सबसे पहला इतिहासकार हम मिन्हाजुस सिराज की बात कर लेते हैं, किसकी, मिन्हाजुस सिराज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताना मिन्हाजुस सिराज ने कौन सी किताब लिखी थी, सभी लोग फारसी भाषा में कौन सा किताब लिखा था, फास्ट कमेंट करके बताना। मिन्हाजुस सिराज ने सर तबकाते नासरी नामक किताब लिखा। मिन्हाजुस सिराज ने तारीफ में क्या लिखी, क्या लिखा था उन्होंने, उन्होंने कहा कि विशाल हृदय वाला, मतलब इतना नेक दिल वाला व्यक्ति था, कहते हैं कि भावना थी उनके अंदर, किसी के प्रति एक व्यवहार, अच्छा व्यवहार रखता था, किसी के प्रति कभी भी गलत नहीं सोचता था, एक कहते हैं ना कि एक अच्छा नेचर की वजह से। तारीफ क्या किया है इन्होंने, तारीफ, तारीफ क्या की, एक अच्छा हृदय, हृदय वाला व्यक्ति था, विशाल हृदय, एक हिंदी में बोलते हैं विशाल हृदय, आप इंग्लिश में कह सकते हो कि वेरी लिबरल एंड वेरी काइंड पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, इस वजह से आपने इन्हें कई टाइटल, लाख बक्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि वॉज कॉल्ड लाख बक्स, कौमा पील बक्स, ठीक है, हातिम बक्स, हातिम सेकेंड, पहले एक मूवी आती थी या स्टोरीज भी आता था सीरियल्स, हातिम, हातिम का रोल होता था जो गरीब व्यक्ति हैं या कोई मतलब लाचार है उनको मदद करने के लिए हातिम आता था, आता था ना, ठीक इनके भी वैसे ही बारे में बताया जाता है कि इन्होंने खूब तारीफ की। इसके अलावा दूसरा हिस्टोरियन की बात कर लेते हैं, अबुल फजल, बहुत बड़ा नाम है, सभी लोग कमेंट करके बताना अबुल फजल किन के दरबारी थे, अबुल फजल किन के दरबारी थे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते चलिएगा। अबुल फजल ये मुगल काल में है, मुगल काल में भी इनकी खूब तारीफ की गई, कहता है कि ऐबक की प्रशंसा के बारे में क्यों कहते हैं कि क्योंकि इनके कार्य की प्रशंसा, किसकी, इनकी काल कार्य की, बोले तो इनके जो द्वारा किए गए काम, जो शुरुआत में इस्लाम को लेकर यहाँ पे एस्टेब्लिश कराना कितनी चैलेंजेस है, तो इस पे बात करते हैं, कहते हैं कि ऐबक की प्रशंसा, प्रशंसा करते हैं ऐबक की, क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि ऐबक ने जितने काम किए सभी महान काम है, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा प्रशंसा में, लिख लेना कि ऐबक द्वारा किए गए कार्य सभी महान है, तो ऑल वर्क ऑफ ऐबक इन इंडिया वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द स्लेव डायनेस्टी, ऐसे कह सकते हो। तीसरा, तीसरा कोट को भी हम लोग देख लेते हैं, तीसरा कोट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर डॉक्टर हबीबुल्ला, डॉक्टर हबीबुल्ला, डॉक्टर हबीब ने कोट किया, क्या ध्यान दीजिएगा, लिबरल, क्या बोल रही है, लिबरल टर्क रूलर है, टर्क रूलर है, तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह से जब चीजों को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, कि इस तरह से पता तो चले ना कि कौन से राइटर क्या बात कहना चाह रहा है। आप लोग क्लास गाइस थोड़ा सा शेयर करते चले, मजा नहीं आ रहा, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को शेयर किया, एक बार और क्लास को जो है अच्छे से अपने लोगों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके अलावा आपसे कई चीजें पूछा जाता है कि इनके दरबारी, इनके कोर्ट पोएट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इनके दरबारी कवि कौन थे, इनके दरबारी कवि में मैंने कई बार आप लोग को बताया है, एक तो नाम, सबसे पहला नाम आता है, दैट इज कॉल्ड दी, सबसे पहले हसन निजामी का नाम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फखरुद्दीन का भी नाम लिया जाता है, पहला नाम लिखिए हसन निजामी। चलिए, हसन निजामी की किताब के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है कि हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखा था। दूसरा, दूसरा व्यक्ति है दैट इज कॉल्ड दी फखरुद्दीन, फखरुद्दीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और तीसरा दैट इज कॉल्ड दी फखरे मुदब्बिर, ये तीसरे स्कॉलर है, दैट इज कॉल्ड दी फकरे मुदब्बिर, फकरे मुदब्बिर, तो ये स्कॉलर, इन तीनों के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ध्यान से समझिएंगे। पर्शियन में हसन निजामी ने ताजुल मासिर किताब लिखा है, कौन सा किताब,
ताजुल मासिर, याद रखना गुलाम वंश के बारे में लिखा गया फारसी भाषा, जितने भी किताब होंगे सब फारसी भाषा। ये तारीख़ मुबारक शाही लिखा इन्होंने, हालांकि तारीख मुबारक शाही कई लोगों ने लिखा है, मुबारक शाही, मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही। और फखरे मुदब्बिर की किताब कौन सी किताब बहुत फेमस है, अदाबुल हर्ब, क्या बोलते हैं आप इसे, अदाबुल हर्ब, लिखते चलिएगा अदाबुल हर्ब, अल सुजात शॉर्टकट में, वो अल सुजात, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, अदाबुल हर्ब वो अल सुजात के नाम से जानते। तो ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार सभी लोग एक बार अच्छे से इस किताब को मार्क कर लेना, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख़ मुबारक शाही फखरुद्दीन, एंड अदाबुल हर्ब अल सुजात, दैट इज कॉल्ड द फखरे मुदब्बिर, दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है? अरे सभी चंगा से, सब मजे में है ना भाई, समझ में आ रहा है? अब आगे हम जो पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, आप सभी जानना कि कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में साम्राज्य विस्तार में ही बिलीव नहीं करते थे, बल्कि कुछ किताब वो को भी पढ़ने का हुनर रखते थे। कहते हैं कि उनके कोई बेटा नहीं था, लेकिन तीन बेटियां थी। हालांकि पढ़ने लिखने में अपना काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा है, और ख़ास तौर से इन्हें आर्किटेक्ट का बड़ा समझ था, आर्किटेक्ट का बहुत समझ था। तो अस्थापित कला जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, अस्थापित कला, दिस इज द पॉइंट, ध्यान से लिखिएगा, अस्थापित कला जिसे आप आर्किटेक्चर के रूप में, आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पॉइंट सभी लोग, इंडियन आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक परिवेश का मतलब है कि पहली बार इस दोनों का मिक्स देखने को मिलेगा, दोनों का मिक्स पहली बार देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। ध्यान से देखेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो सबसे पहला इन्होंने काम किया है वो ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड दी कुवतुल इस्लाम मस्जिद, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। इस चीज को आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार परिसर में ये मस्जिद है, कौन सा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। कहा जाता है कि इस्लाम के द्वारा या तुर्कों द्वारा प्रथम मस्जिद। ये क्वेश्चन समझना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, टर्किश रूलर के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद कौन सा है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद। कुवतुल इस्लाम मस्जिद सुल्तानों के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद। अगर आपसे कोई इधर पूछ ले कि भारत में सबसे पहला मस्जिद कौन सा है, तो जुमा मस्जिद, कौन सा मस्जिद बच्चे, जुमा मस्जिद, ये त्रिशूर केरल में है, कहाँ पे, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरल में है, इसे बनाया था इब्ने दिनार ने बनवाया था 1838 के आसपास में, 738 के आसपास में ये बनना शुरू हुआ था, ये 738 कर लेना, बनना शुरू हुआ, बाद तक बनता रहा है। इसके बारे में कहा जाता है ये अरबी व्यापारी थे, अरबी द्वारा, ठीक है, तो ये पॉइंट एक अलग पॉइंट बनता है, समझ रहे हो, ये अलग है। पहला मस्जिद भारत में त्रिशूर केरल में है, अरबी द्वारा बनाया गया, व्यापारियों के द्वारा, लेकिन सुल्तान द्वारा बनाया गया कुवतुल इस्लाम मस्जिद, याद रखें। इसमें कहा जाता है कि इस समय में 36 देवी देवताओं के मंदिर थे, जिनमें से 27 जैन मंदिर थे, कितने, 27 जैन मंदिर थे, और इसे आप कह सकते हो विष्णु मंदिर के रूप में भी, विष्णु मंदिर। इसमें श्री गणेश से लेकर पार्श्वनाथ की भी प्रतिमाएं देखने को अब मिलता है, ये भी बात समझना। और इतना ही नहीं, कुवतुल इस्लाम मस्जिद में कॉर्बेल्ट, दिस इज द पॉइंट, कॉर्बेल्ट आर्क आपको खूब देखने को मिलेगा, कॉर्बेल्ट आर्क, ARC आर्क, क्या होता है वो ध्यान देना सभी बच्चे, कॉर्बेल्ट आर्क, दिस इज द कॉर्बेल्ट आर्क, सभी लोग ध्यान से देखना, ये कॉर्बेल्ट आर्क की ये तस्वीर है। आप देख सकते हो कि बीच में एक की स्टोन होता है, क्या होता है बच्चे, बीच में की स्टोन होता है, जो दोनों तरफ के भार को
जो है बैलेंस करता है, अगर इसकी स्टोन को हटा दिया जाए तो ये ढह जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है सभी को? अरे सभी को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है ना? दिस इज द पॉइंट। देखो यहां की क्लासेस हमेशा याद रखना 4 बजे शुरू होगा यहां की क्लासेस। एक बार सभी लोग लाइक शेयर करते चलेंगे। दिस इज कॉल्ड द की स्टोन, इसे आप बोलते हैं कॉर्बेल्ट स्टाइल का क्या है, गेट है ये। आप फिर आपसे पूछा जाए कि ये तो कॉर्बेल्ट स्टाइल का है पूरे के पूरे, उसके अलावा आप देख सकते हो कि ट्रू आर्क का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है। तो दिस इज द ट्रू आर्क। देखो ये ट्रू आर्क है, ये बलबन के कब्र पे ट्रू आर्क देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ट्रू आर्क शायद बलबन के ही कब्र पे देखने को मिलता है, शायद थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, लेकिन ये ट्रू आर्क है, ये ट्रू आर्क देख सकते हो। ये आर्किटेक्चर ट्रू आर्क की आर्किटेक्चर है, याद से ख्याल रखना ट्रू आर्क और कॉर्बेल्ट में। ये आपको टास्क भी दे रहा हूं कि डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इतिहास इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं किसी इमारत से गुजर रहा होता हूं ना, तो अगर पुरानी इमारत है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं उससे जानने के लिए, उस दीवार के पास जाकर देख रहा होता हूं कि जब पुरानी घर मुझे दिखता है तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। ये सभी चीजें एक इतिहास के एक स्टूडेंट होने के नाते इतना तो इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए मुद्दे पे चलते हैं। कहाँ है मुद्दा? मुद्दा यहाँ है। इतना तक क्लियर है सभी लोग? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा, दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट हो चुका आर्किटेक्चर में, दूसरा पॉइंट दैट इज कॉल्ड द ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा, दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि इस मस्जिद को, ये भी एक मस्जिद है, अब ये भी एक मॉस्क है। कहाँ पे पड़ता है बच्चे? अजमेर में है। कहाँ पे है ये? अजमेर में है। कहा जाता है कि इस मस्जिद को 60 घंटे में तैयार किया गया था। कितने घंटे में? 60 घंटे में। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि ये वो मस्जिद है जिसे फरिश्तों ने बनवाया है इस्लामिक स्टाइल में, जबकि हम जहां तक जानते हैं कि ढाई दिन के झोपड़ा शुरुआत में, ध्यान से लिखेंगे, इनिशियली क्या था ये? संस्कृत। क्या था बच्चे? संस्कृत कॉलेज था ये। क्या था बच्चे? संस्कृत कॉलेज था, जिसकी स्थापना विच वॉज फाउंडेड बाई विग्रहराज, विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है सभी लोग? ये ढाई दिन का झोपड़ा है, कहां पे? आपके अजमेर में पड़ता है। आगे चलते हैं। पहले संस्कृत कॉलेज था ये, संस्कृत स्कूल के नाम से भी जाने जाते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार एवरीबॉडी नोज कि सर कुतुब मीनार तो बहुत फेमस है और अप्रॉक्सीमेटली 72.5 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ 5 स्टोरी बिल्डिंग है। 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये, ठीक है, पूरे के पूरे। ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था, ये किससे इंस्पायर्ड होके बनाया गया है? इंस्पायर्ड होके अफगानिस्तान में एक इमारत है, मीनार है, जिसे शियापोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? शियापोश से इंस्पायर होके बनाई गई थी ये कुतुब मीनार। और हमेशा याद रखना, किसी ना किसी को डेडिकेट करने के लिए बनाई जाती है, डेडिकेटेड टू सूफी संत। सूफी संत का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ख्वाजा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। दिस इज द पॉइंट, मार्क कर लो, खींच डालो सभी पॉइंट को, ठीक है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनाया गया। एक नोट फिर से बनता है मेरे जहन में, नोट याद रखना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सूफी संत है और चिश्ती ऑर्डर के हैं। कौन से ऑर्डर के बच्चे? चिश्ती सूफी हैं ये। इनका मकबरा कहाँ पे पड़ता है बच्चे? इनका मकबरा मेहरौली में है। कहाँ पे है? मेहरौली में है। इनकी मृत्यु 1236 में हुआ था। तो ये मैं घेर देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट में, ये भी खिंचा जाएगा पॉइंट इंपॉर्टेंट में। चलिए लिखते चले सभी के सभी लोग, क्लियर है? सर 1210 में मृत्यु घोड़े से गिरकर। अभी आ रहे हैं, इतना एक्साइटेड क्यों हो मधुरंजन?
मारने पे क्यों तुले हुए हो? मरेगा मरेगा। थैंक यू सो मच। क्लियरली समझ में आ रहा है ना, सारे दिमाग में घुस रहे हैं ना सारे चीजें मैं रोली में। क्लियर है इतना लाइन? थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं आप सभी को, और मुझे ऐसा यकीन है कि जितने स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब इस पर एक बार और बैटिंग किया जाएगा। इतना तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई विश। क्लियर है? चलिए, कहते हैं चौगान। क्या बोलते हैं आप इसे? चौगान। चौगान का मतलब बेसिकली आज का पोलो, लेकिन चौगान और थोड़ा पोलो में फर्क होता था। चौगान खेलते समय 1210 में लाहौर में मृत्यु हो गई। लाहौर में मृत्यु। अच्छा, ये तो चीजें ठीक है कि सर लाहौर में मृत्यु हो गई, एक्चुअली घोड़े से गिर गया, और घोड़ा इतना तेजी से दौड़ता है कि इनके ऊपर तीन चार घोड़े दौड़ गए, जिस वजह से इनकी डेथ हो गई। इतिहास गवाह है, सभी साथी लोग ध्यान से सुनते चलेंगे, इतिहास गवाह है कि उस समय के बारे में कि इनके गद्दी पर इनका सक्सेसर या उत्तराधिकारी, सक्सेसर उस समय कौन बना? आराम शाह या आराम बख्श। आराम बख्श कहते हैं आप इसे। सक्सेसर बन तो गया 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। लेकिन एक नोट बनता है कि इनका दामाद, दामाद या गुलाम दोनों था। उस जमाने में गुलाम को दामाद बना लिया जाता था, बड़ा अच्छा अवसर था उस जमाने में, अगर आप में खूबी है। आजकल तो कहाँ गुलामों का, नौकरों को कोई दामाद बनाता है क्या? भले ही वो, खैर मुद्दे पे चलते हैं। दामाद, दामाद के बारे में कहा जाता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था, बदायूं का गवर्नर था, गवर्नर था। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, ये आप लोगों को आई विश की आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लास सबको क्लियर है इतना लाइन? सभी को क्लियर है? वैसे एबक के बारे में आप लिख सकते हो कि एबक के तीन पुत्रियां थी। कितने थे? तीन पुत्रियां थी, तीन जो है बेटियां बताई जाती है। क्लियर है सब लोग को? आई विश किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान भावुक हो जाता है, मैं भी कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इतिहास जो है ना ऑथेंटिक चीज़ें मांगता है, और इसीलिए एक आप लोग भी स्कॉलर होने वाले हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले हो, तो ऑथेंटिसिटी पे हम लोग बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़े। अब जो नेक्स्ट रूलर है वो कौन बनेगा? इल्तुतमिश। आप टॉपिक को ध्यान से देखते हैं, दूसरा शासक दैट इज कॉल्ड द इल्तुतमिश। वैसे ओरिजिनल नाम शमसुद्दीन अल्तमश भी था, इल्तुतमिश के नाम से आप जानते हैं। 1210 से लेकर, या 11 कर लो क्योंकि कुछ महीना तो वो भी रहा है, 1211 से लेकर 36 तक इनके टाइम फेस को जानते हैं। इल्तुतमिश में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, अदरवाइज तो फिर तो टाइम ही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आज क्लास पढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी को ठीक लग रहा होगा क्लास, ठीक लग रहा, समझ में आ रहा है क्लास सभी को? कोई दिक्कत किसी को भी? पेट में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, काइंड ऑफ मजा आ रहा है सभी को? फास्ट कमेंट करके बताइए जरा। इल्तुतमिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 5 मिनट 10 मिनट में कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। आप ही लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा जान लीजिए कि इल्तुतमिश हम लोग मतलब नए सिरे से ही शुरू करेंगे, ठीक है? जानते हैं थोड़ा सा, आप जाते जाते क्लास में कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताता चलता हूँ। इल्तुतमिश अगर स्टार्ट करते हैं, इल्तुतमिश एबक से ज़्यादा पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे कोर्स के बारे में जान लें, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ऑल कोर्सेज में जब चलते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस बना हुआ आता है कोर्सेज के बारे में, थोड़ा सा चलिए यूजीसी पे अगर चलते हैं तो यूजीसी पे इस तरह का इंटरफेस बन के आता है, यूजीसी नेट हिस्ट्री में। मेरा ये बैचेस ऑलरेडी सब कंबाइंड बैचेस हैं मेरे, ठीक है? उज्ज्वला 2.0 इसमें आप मर्ज हो जाता है सभी, ये जितने पेपर वन है सब मेरे पेपर में आपको फ्री में मिल जाता है। आप मेगा पैक में आप जा सकते हैं, मेगा पैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेगा पैक में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप
Y628 अगर कोड का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 5700 रुपीज़ के करीब में पड़ता है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, देख लो सभी लोग, सिर्फ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरा नया बैच आया है, ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है। इसके लिए भी आप देखें, ये कोड है वाई कैपिटल में 628, ये कोड ज़रूर आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तभी मेरे साथ जुड़ पाएंगे और मेरे क्लास में आप आ सकते हैं। वो 5700 है, आप यहाँ पे ये वाले सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री वाले पेपर में आप जो है 4300 रुपीज़ आपको लगेगा। तो ये कोर्स का फ़ी है, मैं एक बार आप लोगों से बता देता हूँ, एक बार आप लोग देख लेना, ये कोड है मेरा Y628 और ये फ़ी है आप लोगों का सिर्फ पेपर, हिस्ट्री के पेपर के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ, बाकी कोड आप लोग याद रख लेना Y628, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं कल के सेशन में, और आज आप लोग की पेड क्लासेस एप्लीकेशन पे होगा, याद रखना। आज की क्लास शो हो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी, और जो पुराना 18 तारीख की वीडियो अपलोड नहीं हुए वो हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि दूसरा बैच मर्ज होता है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित करता हूँ, और जाते जाते आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत साथियों।